हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास नाइन्थ का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज 7.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या कहा गया है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल तो आपने देखी होगी, कुछ इस शेप में होती है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होती है। ये होगी ट्रायंगल ABC। अब इसमें क्या खास बात है? खास बात इसमें यह है कि यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया बीच में, ठीक है, और उसका नाम दे दिया O। ये खास बात है। अब इस पॉइंट O ने क्या किया, जब इस पॉइंट को B के साथ मिलाया ना, तो इस O से B ने इस कंप्लीट एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये एंगल वन है और ये टू है, तो यहां से क्या आ गया, एंगल वन किसके इक्वल है? टू के इक्वल। सेम टाइप से यहां पे ये एंगल थ्री है, ये एंगल फोर है, तो यहां पे क्या है, एंगल थ्री किसके इक्वल है? फोर के इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं गिवन में, दैट इज एंगल वन इक्वल है टू के, दैट इज एंगल थ्री इक्वल है फोर के। ये बात हमें गिवन है। अब मुझे प्रूफ करना है कि जो ओ बी है ओ सी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ठीक है भाई, करो। हमने पढ़ा सॉल्यूशन। ये जो ट्रायंगल है ABC, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। कौन सी? ए बी इक्वल है AC के। मीन्स हमने इस ट्रायंगल को दोबारा बनाया। मेरे पास ट्रायंगल है ये ABC, इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है, गिवन है। गिवन AB इक्वल है AC के, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर के AB इक्वल होगा AC के, दिस इंप्लाइज अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो साइड इक्वल होंगी, साइड इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज ये एंगल इक्वल होगा इसके, दिस इंप्लाइज एंगल B इक्वल होगा एंगल C के, ठीक है जी, इसमें तो कोई बात नहीं है। अब बात ये है कि अगर मैं बोथ साइड टू से डिवाइड कर दूं तो दिक्कत क्या है? कुछ भी नहीं है। डिवाइड बोथ साइड बाई टू, लेकिन टू से डिवाइड क्यों किया? किसी में तो ऐसा बोल नहीं रखा कि टू से डिवाइड कर रखा है। टू से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि टू एक चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है, इसीलिए। तो यहां पे आ गया एंगल B अपॉन में टू, एंगल C अपॉन में टू। अच्छा, B अपॉन में टू मीन्स एंगल B का हाफ। बी का हाफ क्या हो गया? एंगल वन भी हो गया और टू भी हो गया। ऐसे ही सी का हाफ क्या है? थ्री भी और फोर भी है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट किस में है? हमारा तो टू में और थ्री में है। तो बी अपॉन में टू मेरे पास आ गया एंगल टू, ये इक्वल आ गया एंगल थ्री की। बी अपॉन में टू एंगल टू आ जाएगा और सी अपॉन में टू एंगल थ्री। तो यहां से आ गया कि एंगल टू जो है वो थ्री के इक्वल होगा। यही बात हमें प्रूफ करनी थी, क्योंकि अगर एंगल टू एंगल थ्री के इक्वल हो गया तो सेम रिजल्ट जो यहां पे लगा था वो यहां पे लग जाएगा। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड इक्वल होंगी, अगर अपोजिट साइड इक्वल थी तो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गई, अगर के अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। दिस इंप्लाइज अपोजिट साइड यहां पे क्या है? OB और OC। OB इक्वल होगा OC के। इसका काम खत्म, अब इसको इरेज कर देते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट था हमारा ये कंप्लीट हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। अब मैंने क्या किया, ज्वाइन किया इसको। अब जाके ज्वाइन किया मैंने इसको A से O को। अब मुझे ना प्रूफ करना है कि यहां पे जो एंगल बना, मान लिया इसका नाम 5 है, इसका नाम 6 है,
कि एंगल 5-6 के इक्वल है, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। उसके लिए अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो बात बन जाएगी, काफ़ी इजी है। क्यों? क्योंकि ये साइड तो इसके इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया, और ये साइड इसके इक्वल गिवन है स्टेटमेंट में ही, और ए से ओ जो है वो तो कॉमन है भाई, इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है, प्रूफ हो जाएगा इजीली। तो हम लेके चले इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी ए बी इक्वल ए सी के, गिवन है मुझे ओ बी ओ सी के इक्वल है, अभी प्रूफ किया है, अभी प्रूफ किए ये बात, और जो ए से ओ है वो ए ओ के इक्वल ही है, ये बात तो कॉमन है कि दोनों में है, तो तीनों साइड्स आपस में कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो इक्वल है। इसका मतलब बाय ट्रिपल एस ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गई, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ए ओ सी के। अगर के ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा, दिस इंप्लाइज एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के बाय सीपीसीटी। और यही बात हमें प्रूफ करनी थी कि जो ए से ओ है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो यहां पे हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, काफी इजी है। हमें एक ट्रायंगल दे दी, बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन है, एक ये ट्रायंगल दे दी, फिगर भी गिवन है इसकी, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। अब इस ट्रायंगल में क्या किया इन्होंने कि एंगल पॉइंट ए से साइड बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम डी दे दिया, ठीक बात है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी। गिवन है मुझे क्या क्या है कि ए से डी परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, और इस ए डी ने बी सी को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब कि ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल हो गई, ये बात गिवन है मुझे। तो गिवन में मैं क्या लिखूंगा कि ए से डी परपेंडिकुलर है बी सी पे और बी से डी इक्वल है डी सी के, ये बात गिवन है। साथ में गिवन है कि जो एंगल ए डी सी है, मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों कितने के हैं, 90 के, इसको मैं 1 और 2 नाम दे दूं, ये एंगल 1 है और ये 2 है, गिवन है मुझे एंगल 1 इक्वल है 2 के और दोनों 90 के। तो मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल होना चाहिए ए सी के, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। सिंपल सा मेथड है, ये जो ट्रायंगल है इसको इसके कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं, ये दिखा दूं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। चलो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दो ट्रायंगल्स ले ली मैंने जिनका जिक्र किया था, इसमें ए से डी दोनों ट्रायंगल्स में दिख रहा होगा आपको, ये ट्रायंगल देता हूं तब भी इसमें साइड है, ये देता हूं तब भी इसमें साइड है, मीन्स ये तो कॉमन है, ठीक है। बात एक बात हमने अपने पास से लिख दी, और दो बातें क्वेश्चन में गिवन है, ये रही दो बातें कि बी डी इक्वल है डी सी के, बी से डी इक्वल है डी सी के, ये बात गिवन है। एंगल 1 इक्वल है 2 के, 90 का है हर एक एंगल, अच्छा जी आगे बताओ, आगे क्या बताएं, ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है, बीच का एंगल इक्वल है, तो क्या हो गया,
बाई साइड एंगल फाइड कॉन्ग्रुएंट हो गई, बाई साइड एंगल फाइड ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्रेंगल ए सी डी के। इतना काम भी हो गया। अगर इतना काम हो गया तो यहाँ पे क्या है ए बी और यहाँ पे क्या है ए सी, दिस इंप्लाइज ए बी किसके इक्वल होगा ए सी के, क्यों होगा बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल से जो है ये इक्वल हो गई। अगर के कोई ट्रेंगल है ऐसी जिसमें ये साइड इसके इक्वल है, उस ट्रेंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केल ट्रेंगल। दिस इंप्लाइज ए बी सी इज आइसोस्केल ट्रेंगल, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर थ्री जो है उसमें हमें गिवन है कि एक ट्रायंगल है और वो जो ट्रायंगल है वो आइसोस्केल्स टाइप की ट्रायंगल है, मीन्स उसकी अपोजिट जो दो साइड्स हैं वो इक्वल है, इसका नाम ए इसका बी और इसका सी दिया, तो यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया इस पे, इस पॉइंट पे ये हो गया ई, इस पॉइंट से इस साइड पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया इसका नाम है एफ, एल्टीट्यूड मतलब ये दोनों एंगल्स 90 के हैं। गिवन है मुझे इसमें कि ए बी इक्वल है ए सी की, प्रूव करना है, प्रूफ क्या करना है कि जो बी से ई है वो इक्वल होना चाहिए सी एफ की, बस इतना सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। दो ट्रायंगल्स हमने दे ली, एक का नाम लिया ए बी ई, इन ट्रायंगल्स ए बी ई, सेकेंड जो ट्रायंगल है ए सी एफ, ट्रायंगल ए सी एफ, दो ट्रायंगल्स हो गई। अब यहाँ पे दिख क्या रहा है, जो दोनों ट्रायंगल्स है ए बी ई ए सी एफ, ये एंगल तो दोनों में है, दिख रहा है तुम्हें, ए बी ई में ये एंगल आ गया, ए सी एफ में भी ये एंगल आ गया, मीन्स दोनों में है, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल ए के, कॉमन है भाई, लिख दिया हमने पहले ये बात। फिर जो अलग से दिख रहा है कि एंगल एफ इक्वल है किसके, ई के, दोनों 90 के हैं, एंगल एफ इक्वल है एंगल ई के, 90 डिग्री ईच, हर एक 90 का है, ई और एफ दोनों 90 के हैं। एक चीज़ और चाहिए बस, एक चीज़ हमें गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है ए सी के, ए बी इक्वल है ए सी के, ये बात गिवन है, ठीक है। दो तो एंगल्स इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल हो गई, तो बाई एंगल एंगल साइड ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ए सी एफ के, हो गई कि नहीं हो गई, हो गई, ठीक है। अब बी ई किसके इक्वल होना है सी एफ के, बाई सिंपलिसिटी दिस इंप्लाइज बी ई इक्वल टू सी एफ बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये आ गया, यही तो प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर फोर आ गया, सेम ट्रायंगल है, सब कुछ सेम है, दो चीजें चेंज कर दी। अब जो क्वेश्चन नंबर थ्री था उसमें क्या था कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ये बात गिवन थी, प्रूफ क्या किया कि ये साइड इसके इक्वल है, ये बात प्रूफ की थी, ठीक है। अब उल्टा कर दिया, गिवन क्या है कि ये साइड इसके इक्वल है, प्रूफ करना है कि ये साइड इसके इक्वल होगी, सेम क्वेश्चन सेम फिगर है, ठीक है। अब गिवन क्या है मुझे कि एंगल एफ और ई, ये तो दोनों 90 के ही है, लास्ट क्वेश्चन में गिवन था ये, तो
उससे अलग क्या गिवन है कि बी ई इक्वल है सी एफ के, ये दो बातें गिवन है। प्रूफ करना है, दो प्रूफ है इसमें। प्रूव दैट एक तो ट्रायंगल जो बने ए बी ई, फर्स्ट में ट्रायंगल ए बी ई कोंगुरेंट दिखानी है ट्रायंगल ए सी एफ की। सेकंड पार्ट में मुझे प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल होगा ए सी के। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, बोलने रखा था उन्होंने कि ये दिखाओ मुझे, लेकिन हमने करना पड़ा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ही काम करना है। क्या सेम है? ए बी ई और ए सी एफ दो ट्रायंगल दी, इन ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल ए सी एफ देख लो, ट्रायंगल ए बी ई ये वाले ट्रायंगल है, ए सी एफ ये वाले ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल, ठीक है। ये एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है। पहले वही बात ही देखो, एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, कॉमन है। एफ ई के इक्वल है, एंगल एफ इक्वल है एंगल ई के, दोनों 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री ईच। एक चीज और बच गई, वही लिख दो जो गिवन है। क्या गिवन है? कि बी इक्वल है सी एफ के, बी से ई इक्वल है सी एफ के, ये बात गिवन है। अब ये भी लिख दिया, अब बताओ दो तो एंगल्स इक्वल हो गए, एक साइड इक्वल होगी, वही लिख दो बाई एंगल एंगल साइड जो ट्रायंगल बनी ना ए बी ई वो कॉन्ग्रुएंट आ गई किसके, ट्रायंगल ए सी एफ के, ठीक है। वही बात, बात क्या ठीक है, यही तो प्रूफ करना था हमें, प्रूफ हो गए तो ये बात भी ठीक है। लेकिन सेकंड पार्ट बच गया, ए बी इक्वल ए सी, ये बात भी प्रूफ करनी है। यहाँ पे देखो ये दो इस दो के इक्वल होंगे ना, तो दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल होगा ए सी के बाई कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो साइड अपोजिट साइड इक्वल है एक ट्रायंगल की, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। इतना